थैंक यू अर्चना. तो हमने जब सोचा कि हम कलर कॉस्मेटिक्स बनाएंगे तो हम सबसे पहले मार्केट में स्टडी करने के लिए चले गए. सबसे सही जगह जहाँ पर हमें सारे सवालों के शायद जवाब मिल सकते हैं वो ये थी कि कंज्यूमर जब परचेज करता है प्रोडक्ट्स तो क्या सोच के परचेज करता है, व्हाट डू दे लुक फॉर इन द प्रोडक्ट्स. हमने ऐसे कुछ कंज्यूमर्स का सेट बनाया और उन्हें सवाल पूछे काफी सारे. तो हमने उनसे पूछा जैसे कि आपका पसंदीदा ब्रांड कौन सा है, उन्होंने अपने अपने पसंदीदा ब्रांड्स के नाम बताए. उसमें से 90% बाहर के ब्रांड्स थे जो इम्पोर्टेड थे इंडिया में, मेकअप ब्रांड्स. फिर हमने उनसे पूछा कि आप यही ब्रांड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महंगा दिख रहा है, इसी कीमत में शायद आपको दो या फिर तीन प्रोडक्ट्स ही मार्केट में मिल सकते हैं. फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये महंगा है उसी लिए महंगा क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. तो यहाँ पे हमें एक एजम्पशन देखने को मिला कि जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है नेसेसरीली लोग सोचते हैं कि उसकी प्राइस भी बहुत अच्छी है, तो जो महंगा है वो क्वालिटी में भी बढ़िया होना चाहिए या होता ही है. हमने सोचा चलो इसको वैलिडेट करते हैं. वापस आए, हमने बहुत सारा स्टडी किया, वहां पता चला कि उन प्रोडक्ट्स में इतने सारे हार्मफुल केमिकल्स भरे पड़े थे. सारे टॉप ब्रांड्स, बढ़िया से बढ़िया महंगे वाले प्रोडक्ट्स जिसकी क्वालिटी कंज्यूमर सोचता है कि बहुत अच्छी है, इनमें से कुछ ही के बारे में उन कंज्यूमर्स को पता था. हम वापस गए उनके पास, उनको दिखाई है लिस्ट, उन्हें पूछा कि आपको पता है कि ये सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं और वो आपके ब्रांड में मौजूद है. उन्होंने कहा हाँ हमें कुछ कुछ पता है, जैसे पैराबेंस पता है हमें, लेड मर्क्यूरी पता है हमें, मिनरल ऑयल्स पता है, बाकी कुछ पता नहीं है. और पता ये नाम भी उन्हें क्यों पता थे, क्योंकि उन्होंने इन प्रोडक्ट्स के जो एड्स देखे थे उसमें ऐसा लिखा था कि इट इज लेड एंड मर्क्यूरी फ्री, इट इज आर्सेनिक फ्री, इट इज पैराबेंस फ्री, इट इज मिनरल ऑयल्स फ्री. तो ये एक फ्री करके बाकी सब कुछ डाल दिया प्रोडक्ट में तो भी क्या पता चलेगा कंज्यूमर का, क्योंकि कंज्यूमर को पता ही नहीं है इन प्रोडक्ट्स के बाद क्या क्या हार्मफुल केमिकल्स हैं. सर हमने उन्हें पूछा कि अगर आपको अभी पता है कि आपके प्रोडक्ट में ये सब कुछ है तो क्या फिर भी आप जाके वही ब्रांड लेंगे, और उनके जवाब से हम चौंक गए. उन्होंने कहा हाँ हम फिर भी वही ब्रांड जाके लेंगे क्योंकि मार्केट में ऑप्शन है, मार्केट में ऑप्शन नहीं है, हमें अपने दिखावे पे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. ये आज का जमाना है, हम घर में जैसे रहते हैं वैसे बाहर नहीं जा सकते विदाउट मेकअप. मैं अगर जॉब पे जाती हूँ, मैं अगर किसी मीटिंग के लिए जाती हूँ या फिर मैं किसी पार्टी में जाती हूँ, फेस्टिवल में जाती हूँ, आई नीड टू लुक गुड, आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज माई लुक. तो नेक्स्ट उनका डायलेमा हमें समझ में आया कि आप क्या चूज करोगे, आप बेटर लुक्स चूज करोगे या आप बेटर हेल्थ चूज करोगे. और हम चाहते हैं नेटसर्फ में कि ये डायलेमा हमारे कंज्यूमर से दिमाग में ना रहे. They need to get both. They need to get better looks. They need to get better health at the same time. तो ये एक प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया जहाँ पे हमें समझ में आया कि लोगों को कुछ ऐसा प्रोडक्ट शायद चाहिए जो हार्मफुल केमिकल्स रहित है और जो रिजल्ट्स में मार्केट के इम्पोर्टेड ब्रांड्स की तरह ही अल्टीमेट है और वो कीमत में भी ज्यादा ना हो तो बहुत अच्छा है. फिर हम बढ़े आगे अपनी R&D टीम के पास.